ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए बहुत सारी औषधियां हैं और खाली कुछ ऐसी बता दीजिए जो हमारे किचन में मौजूद है। अच्छा चलिए बताता हूँ। आप सबसे पहले तो हर डायबिटिक पेशेंट जो आज के इस पॉडकास्ट को देख रहा है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो नहीं ले रहा है, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, चाहे जो, आज से आंवला और हल्दी मुझे लगता है कि आराम से अरेंज हर घर में मौजूद है। आप आंवले का पाउडर लीजिए और हल्दी लीजिए। हल्दी भी कौन सी? आपके घर किचन की हल्दी। और आपने उस हल्दी को बस एक छोटा सा काम कर लीजिए कि हल्दी लेकर के जैसे आपने 100-150-200 ग्राम हल्दी का पाउडर लिया, उसमें आधा चम्मच एक चम्मच घी मिला के उसे फ्राई कर लीजिए, इतना कि वो गीली ना हो, पंजीरी जैसा बन जाए, सूख जाए, ड्राई हो जाए, गर्म हो जाए, और बराबर मात्रा में उस हल्दी के आंवला पाउडर उसमें मिला दीजिए। ये बन गया निशा आमल की योग। निशा बोलते हैं हल्दी को, आमल की मीन्स आंवला। आपने घर बना लिया। दो चीजें आपको चाहिए, वापस से रिपीट करता हूँ, एक हल्दी और एक आंवला। हल्दी को थोड़ा सा घी में फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, और फिर बराबर मात्रा में आंवला के साथ मिला देना है। आप इस पाउडर का एक चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ खाना शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी जो फ्लक्चुएशंस ऑफ शुगर है वो 50% चांस है विद इन 15 डेज आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। निशा अमल की योग, आंवला और हल्दी का योग। उसके बाद इसमें हम बहुत सारी चीजें, मेथी है, गिलोय है, गुड़मार है, जामुन गुटली है, कुटकी है, चिरायता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं डायबिटीज़ के लिए। और अभी तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी मेरी प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट नौ आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को भी 20+ ईयर्स हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट ठीक हुए हैं, और मैं हर सिर्फ इसी से नहीं, उसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी साथ में जी। तो मैं बार बार सोशल मीडिया के थ्रू जो है आह्वान करता हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर नहीं, लेकिन मैं बार बार ये सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि मेरे इस मेडिसिन से, इस रेजिम से बच्चे का इंसुलिन बंद हो गया। अब साइंटिस्ट आए मेरे इसको स्टडी करें कि ये बॉडी में जाके क्या चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, तो एज पर साइंटिस्ट, एज पर डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो इंसुलिन कोई नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं बंद होगा, लेकिन हुआ है।